एंटीलिया बॉम्ब स्केयर मामले में एक पुलिस अधिकारी को अभी अभी बेल मिली है। डिसमिस्ड मुंबई कॉप रियाजुद्दीन काजी को इस वक्त उनके वकील हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या थे आपके बॉम्बे हाईकोर्ट में जब आप आए थे? हमारे आर्ग्यूमेंट ये थे कि जिस सेक्शन के तहत हमको अरेस्ट किया गया है वो सब सेक्शंस बेलेबल ऑफेंसेस है एंड एज अ मैटर ऑफ राइट हमको बेल लोअर कोर्ट से मिलना चाहिए थी, बट ऑनरेबल लोअर कोर्ट हैज रिजेक्टेड आवर बेल एप्लीकेशन, देयरफॉर वी केम बिफोर दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंसाफ मिला है आज। अब ये बताइएगा कि आपके ऊपर जैसे आपके साथ जो आप लोग आर्ग्यू कर रहे थे बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो आपने ये कहा था कि ये जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार है, क्या कोई एविडेंस नहीं था रियाजुद्दीन काजी के खिलाफ? यस क्या मतलब क्या कहा था? जो जो भी एलिगेशंस थे उसके उसका कोई बेस नहीं था और ये सब ऑफेंसेस जो थे वो बेलेबल ऑफेंसेस थे, एज अ मैटर ऑफ राइट वी वर एंटाइटल्ड फॉर द बेल। ओके, अब ये आपका कहना था कि इसमें आपको बेलेबल ऑफेंसेस थे सारे तो आपको बेल मिल जानी चाहिए थी। अब इसके अलावा आप लोगों ने ये भी कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उस समय आसपास ये कहा था कि ये ट्रायल कोर्ट में ही बेल मिल जाने चाहिए, उसके बावजूद तो ये सब तर्क जो आपको लगता है कि यही काम किया जस्टिस मोहित देवी के सामने? डेफिनेटली। एनआईए की तरफ से क्या कहना था इस पूरे मामले में? इट्स बेटर कि आप उनसे पूछे, एनआईए के आर्ग्यूमेंट्स उनके वकील ही बताएंगे, ये ठीक नहीं है कि अपोजिट पार्टी का आर्ग्यूमेंट मैं कुछ सबमिशंस दूं। ओके, अच्छा, तो अब किस तरह के कंडीशंस लगाए गए हैं इसके बारे में बताएं। कंडीशंस ये कि एनआईए ऑफिस में रियाजुद्दीन काजी को इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ेगा, हाँ। फिर से हाजिरी के लिए और 25,000 की जो श्योरिटी है वो सब कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो कितना समय लगेगा ये सारा प्रोसीजर करने में, कब तक रियाजुद्दीन काजी बाहर आ पाएंगे? We will try as early as possible. कितना फिर भी approximately कितना टाइम लगता है? देखते हैं अभी जैसे कंप्लेंस जैसे होता है वैसे। शुक्रिया, तो ये थे रियाजुद्दीन काजी के वकील हसनैन काजी जो बता रहे थे इस पूरे मामले में। ये पहले पुलिस अधिकारी हैं जिनको बेल मिला है और अब फिलहाल सारे जो बेल प्रोसीजर है उसे कम्प्लीट करने की वो कोशिश करेंगे। विद्या, मुंबई आज तक।